ठीक है, उनको तो हमने जो प्राइज देना था दे दिया। दूसरा सेकंड राउंड का टेस्ट हमारा सेंटर कोर है बेटा, इसमें जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए या कुछ नंबर के कारण उनका नहीं आ पाया, तो हमारे सेंटर एक सेकंड राउंड का टेस्ट करा रही है जो जिसका डेट 29 अक्टूबर को डिसाइड है। वो हमारा सेंटर कविनगर दुर्गापुर में है, आपको पता है आपके स्कूल से दो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सर का खुद बच्चा भी पढ़ रहे हैं। दूसरा सेकंड राउंड का जो टेस्ट है यहाँ हम लोगों ने मेंशन किया 29 अक्टूबर, इसकी डेट और टाइमिंग जो है आपका 11 बजे स्टार्ट होगा, रिपोर्टिंग टाइमिंग आपको 11 बजे है। उस टेस्ट को अगर आप दे रहे हो, अगर आप अंडर 50 आते हो तो लॉजिक फूडिंग एजुकेशन राना खाना पढ़ना तीनों कोचिंग की तरफ से फ्री हो जाएगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना हो। या एग्जाम हो सकता है तब इसलिए कि बनारस से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आएंगे, लेकिन आसान भी आसान इसमें मतलब बोर्ड पैटर्न का सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन जैसा आप लोगों ने अभी फर्स्ट ऑफ पर टेस्ट दिया, ठीक है। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि जो 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम है उसमें आपको पार्टिसिपेट करो और भाग लो, एडमिशन लेना ना लेना डजन मैटर, क्योंकि आपको अपना लेवल पहचानने में समझ में आएगा कि हम क्या करें, डिसाइड कर पाओगे अपने आप। दूसरा इस पर हमारा नंबर मेंशन है 9696869599, हमारा पर्सनल नंबर है। जो सेंटर पर टेस्ट होगा उसका 100 रुपीज़ चार्ज है, तो अगर आप लोग अगर 10 बच्चे हो जाओगे तो मुझे क्लास पे बता दोगे तो मैं आपको फॉर्म दे दूँगा, उसके लिए एक फ़ोटो चाहिए जो आई कार्ड आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा भीड़ रहेगा क्योंकि बहुत बच्चे आएंगे बाहर से अदर डिस्ट्रिक्ट से भी, तो अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्म ले लोगे तो आपको आसानी होगा, टाइम से आप जाओगे, सिर्फ आप एग्ज़ाम देंगे 3 घंटे का पेपर है, कोई एम आर सी टू होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको प्राइज मिला है नहीं मिला है, इसमें 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोग का ग्रेजुएट रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, इससे दो फायदा है, पहला आपका एकेडमिक की तैयारी हो जाएगी, दूसरा अगर अच्छा करोगे क्योंकि आपके पास करीब 28-29 दिन है, 28 दिन या 25 दिन बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करो जिससे कि आपको उसका लॉजिंग फूडिंग का फ़ायदा मिल पाए, ठीक है क्लास। बाकी चीज़ें अगर जिसको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्कस कर सकते हो, ये बार कोड दिया हुआ है, कोचिंग का टीचर का डिटेल्स, रिजल्ट का डिटेल्स, बाकी जो आपने ये एग्ज़ाम ये स्कैन करोगे तो इस पर पूरा आपको कितना आपने सही किया कहाँ गलत किया है, किसी बच्चे को डाउट्स होगा तो आप ये ऑफिस नंबर है, पहला नंबर हमारा है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है क्लास। चलो थैंक यू।